नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज जैसा कि आप जानते होंगे, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मिलिट्री व्हीकल की तरफ अट्रैक्शन देखते हैं और स्पेशली बहुत ही पैशनेट होते हैं मिलिट्री व्हीकल्स के लिए और उन्हें देखते ही उत्तेजित हो जाते हैं। और इसी तरह से इंडियन आर्मी के पास भी बहुत ही स्टनिंग व्हीकल्स हैं और अगर उनके प्रोवाइडर की बात करें तो इसके अंदर अशोक लेलैंड टॉप के अंदर आता है। और आज हम अशोक लेलैंड के ही मिलिट्री व्हीकल्स की बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अशोक लेलैंड के अगर हम मुख्य डिफेंस व्हीकल्स की बात करें तो बहुत ही इंप्रेसिव ऑफर ये देता है। इसके अंदर 6x6 8x8 के बेसिक ट्रक शामिल है। वहीं स्मॉल के अंदर अगर जाएं 4x4 की LCV शामिल है। वहीं अगर हम अशोक लेलैंड के ही LSV यानी 4x4 लाइट स्ट्राइक व्हीकल की बात करें तो इसके अंदर लाइट और स्पेशली ट्रूप्स को मोबिलिटी करने के लिए बनाया गया है और इसे डिफिकल्ट टेरेन और एडवर्स वेदर कंडीशन के अंदर ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। ये एक आर्मर्ड व्हीकल है। इसके अंदर H6 इंजन लगा है। स्पेशली 5 स्पीड गियर बॉक्स है इसके अंदर और 2 स्पीड यूनिट है एक्सेसरीज के लिए। ये इंडिपेंडेंटली सस्पेंडेड एक्सल्स के ऊपर राइड करता है और इसे इंटीग्रेट किया गया है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड एयर सस्पेंशन सिस्टम के साथ और ये अलाउ करता है हाइट की एडजस्टमेंट करने के लिए और इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह का टेरेन है नीचे और उसके हिसाब से इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। और ब्रेक सिस्टम की बात करें तो हाइड्रोलिक सिस्टम जो कि सबसे ज्यादा सुइटेबल होता है और सबसे ज्यादा प्रेफर्ड किया जाता है इसके ऊपर लगा हुआ है और इसकी चारों साइड पे स्टेनैंग प्रोटेक्शन है। और अगर हम इसकी निचली बॉडी चेसिस की बात करें जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर इसे बनाया गया है तो ये 8 टन की बहुत ही मजबूत चेसिस है, यानी कि काफी ज्यादा पेलोड भी ले जाया जा सकता है। 1 टन का पेलोड ले जा सकती है और 5 ऑक्यूपेंट भी इसके अंदर रह सकते हैं। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके अंदर एक सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो हर टायर के अंदर प्रेशर को कंट्रोल करता है और इससे इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर एक लार्ज प्रोटेक्टिव प्लेट लगी होती है जो कि स्पेशली कैबिन को प्रोटेक्ट करती है डेब्रीज और या फिर किसी भी एम्यूनिशन से। और इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर एक आगे की साइड में विंच अप लगी होती है जो बहुत ही मजबूत होती है और एक हैवी स्टफ को खींच सकती है। ये दोस्तों एक तरह से पाइप नुमा आकृति होती है जो इस ट्रक के सामने लगी होती है और अन्य कई ट्रकों में भी आपने देखी होगी। इसके साथ में हम कई चीजें बांध के ले जा सकते हैं। और वहीं ऑपरेशन के समय इसके अंदर क्या मदद मिल सकती है तो इसके अंदर एक वाटर टैंक लगा होता है, एक रियर व्यू कैमरा होता है पीछे की तरफ देखने के लिए, 360 डिग्री पे रोटेट करने वाली गनर स्टेशन होता है, व्यू पोर्ट होता है, गन माउंट की जा सकती है जिसके ऊपर और साथ ही वेपन स्टेशन का भी प्रोविजन होता है। इसके ऊपर एंटीना भी लगाया जा सकता है, एक सर्च लाइट भी लगाई जा सकती है छत के ऊपर जिसे मोटर के साथ अटैच करके घुमाया भी जा सकता है और मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब हम आत्मनिर्भर होने की तरफ बल दे रहे हैं। ऐसे में एक लोकल ट्रक बनाया जाना जिसके अंदर इतनी ज्यादा खासियत है और इसे अशोक लेलैंड को बधाई देनी चाहिए और इंडियन आर्मी के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।